और वहीं बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए प्रचार करने जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और जेजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी भी मैदान में हैं। दोनों से बात की हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने, क्या कुछ कहा दोनों ने इस दौरान आपको सुनाते हैं। चुनावी सीएम ऐलनाबाद चुनाव जोरों पर है और हमारे साथ इस वक्त जेजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह और प्रदेश संगठन सचिव लितानी जी, राजेंद्र लितानी जी हमारे साथ मौजूद है और हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आप चुनाव की जो है आज सरगर्मियां तेज हो चुकी है, ऐलनाबाद पे पूरे हरियाणा की नजर है, आपने भी दौरा किया होगा, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार बढ़िया चल रहा है और ये मान के चले कि गठबंधन चुनाव जीतेगा। देखिए, गठबंधन चुनाव जीतेगा ये माना जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं अभय सिंह चौटाला जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और 17 साल से लगभग उनकी यहाँ हम एक विधानसभा क्षेत्र न कह के रियासत उसको कह सकते हैं, कैसे तोड़ देंगे गढ़ को? प्रजातंत्र में किसी की कोई रियासत नहीं होती, रियासतें होती थी जब राजाओं का राज था, अब वो खत्म हो चुका। आज का राजा जो है वो जनता है, प्रजा है, उन्होंने राजा चुनना होता है, अब कोई रियासत नहीं। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, सरकार बनाई है लोगों ने, दो वर्ष पूरे हुए हैं और दो वर्षों में बावजूद कोविड के सरकार ने अच्छे काम किए हैं और लोग सरकार को चाहते हैं इन मुद्दों को लेकर के। देखिए, यहाँ पर सरकार ने काम किए हैं, लेकिन कहीं कहीं हल्के के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुए, तो उसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? उसकी वजह अभय सिंह जो अब तक का रिप्रेजेंटेटिव रहा, जिसको वो चुनते रहे, जिसकी रियासत आप कहते हो, वो वजह है, इनाम काम किए ना होने दी। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के कोई यहाँ पर कब कार्यक्रम रहने वाले? प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पूरा परिवार, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे पार्टी के मुख्य महासचिव प्रांत के दिग्विजय चौटाला जी, लगभग मेरा ख्याल है कि हल्का पूरा होने को है, वो 5-10 गांव बचे होंगे, आज भी यहां शहर के अंदर हैं, उन्होंने पूरे हलके को कवर किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, हजारों की भीड़ गांव में जुड़ती है, तो ये मान के चलें कि पूरा क्षेत्र जो है कवर होने को है और एक बड़ी जनसभा जल्दी 26 तारीख को आपके सामने आएगी, उसको चाकआउट कर रही है, जो भी कार्यक्रम बनेगा वो आपको बता दें। संगठन सचिव हमारे साथ है, संगठन किस प्रकार से काम कर रहे हैं? गठबंधन सरकार के जितने भी काम जनता की भलाई के हुए हैं, उसमें चाहे बीजेपी के हमारे संगठन के साथी हों, चाहे जननायक जनता पार्टी के तमाम साथियों की यहाँ पे एक कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे ड्यूटियां लगाई हैं और बूथ स्तर तक जननायक जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी गई। तो क्या लगता है इस बार गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ से सीट निकाल रहा है? बहुत बढ़िया मार्जिन से सरकार के जनहित के कार्यों को लेकर के आदरणीय खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी के सामूहिक नेतृत्व में जो भी जनता की भलाई के काम हुए हैं और आगे जो योजनाएं सरकार की, उन सबको लेकर के जनता में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छे मार्जिन से गठबंधन का प्रत्याशी जीते। ये थे हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन सचिव राजेंद्र लितानी, जिनका कहना है कि यहाँ से गठबंधन का जो उम्मीदवार है गोविंद कांडा बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि सरकार ने जो काम करवाए हैं उन पर जलनाबाद की जनता मोहर लगाएगी और आगे 3 साल के लिए वो अपनी हिस्सेदारी करेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ अनूप कुंडू, एलनाबाद।